नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रांड 24 न्यूज़, मैं आपके साथ आदर्श। शनिवार को मऊगंज के दामोदरगढ़ पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने बस हादसे के स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मऊगंज थाना क्षेत्र के दामोदरगढ़ स्थित नदी में श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई थी, जिससे एक महिला की जहां मौत हो गई थी, वहीं एक दर्जन के लगभग श्रद्धालु घायल बताए गए। रीवा SP विवेक सिंह के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल, SDOP नवीन दुबे, थाना प्रभारी मऊगंज IPS अंकित सोनी, उप निरीक्षक नागेंद्र यादव घटना स्थल का निरीक्षण किए हैं। आपको बता दें, SP विवेक सिंह ने पुलिस अधिकारियों को जांच से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। घायल यात्रियों की माने तो बस का ब्रेक फेल हो गया था, जो घटना का मुख्य कारण बना है। सीधी जिले की अमिलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत हिनौती पिपरोहर और कोलूडीह के बंसल परिवार ने बस बुक कर शिवनगरी देव तालाब भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने आए थे। वापस घर लौटते समय यह हादसा हुआ है। अब पुलिस बल का परमिट, फिटनेस सहित अन्य दस्तावेजों की जांच की जाएगी।